मैं जितने भी मेरे भाई बहन है, माइका है मेरा, देरा का क्षेत्र जो है मेरा माइका है, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ पहुँचाया। और मैं अब भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान आप मेरे से अच्छा ही कराइए उनके प्रति, और मैं अच्छे काम करूँ, उनकी अच्छी मतलब की काम करके इनकी नजरों में अच्छी उतरूँ, बस यही मेरी प्रतिक्रिया है। तो आपको घर के साथ साथ मुख्यमंत्री की सियासत भी संभालनी पड़ेगी, विधायक की भी संभालनी पड़ी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई अब? देखिए जी, जिम्मेवारी तो बहुत है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जो नदौन के भी और यहाँ के भी जो भाई बहन है, बल्कि वो हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ चलते हैं, तो मुझे उनके होते हुए मुझे कमी महसूस नहीं होगी कि मैं हम ये इस काम में अच्छा नहीं उतरेंगे। चुनौतियाँ क्या रही? बहुत सारी बातें लोगों ने कही, कोशिशें बहुत सारी हुई विपक्ष की तरफ से भी। देखिए जी, चुनाव का नाम ही चुनौती है, जब चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनौतियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, पर चलो आप लोगों ने, भगवान ने, सब ने साथ दिया, पब्लिक ने बड़ा साथ दिया और आज यहाँ पर ये जगह दी। हिमाचल में तो ये इतिहास हो गया, पहली बार मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी विधायक एक साथ, क्या कहेंगे? देखिए जी, भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, ऐसा सोचा भी नहीं था और ऐसा कोई सोच भी नहीं थी, पर चलो जैसे जैसे भगवान ने अब कर्म दिया या और हाई कमान का आशीर्वाद आया और पार्टी के प्रति जो मेरे को दायित्व दिया, तो मैंने बोला कि मैं इस दायित्व से पीछे नहीं हटूंगी। बड़ी उम्मीदें हैं जनता को, अब एक मुख्यमंत्री को ही चुना है, एक लोग कह रहे हैं कि सुपर चीफ मिनिस्टर हमने चुना है। चुनौतियां देखो जी हैं, इच्छाएं भी हैं, इनकी आशाएं भी हैं, उम्मीदें भी हैं मेरे भाई बहनों के, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इनकी उम्मीदों के प्रति मैं अच्छी उतरूं, और मुझे उम्मीद है कि ये भी सहयोग रखेंगे मेरे प्रति। बहुत आशाएं हैं यहाँ के लोगों को, अब माइका और ससुराल किसे ज्यादा तरजीह देंगे? बैलेंस बना के चलूंगी, जहाँ मेरा कर्तव्य ससुराल के प्रति वो है ससुराल का निभाऊंगी, जहाँ माइके के प्रति वह माइके के प्रति निभाऊंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो कमलेश ठाकुर यहाँ पर देखिए, विक्ट्री साइन यहाँ पर उन्होंने बनाया है, और यहाँ से जो है अब पूजा के लिए जाएंगी, मंदिर जाएंगी, उसके बाद जो है जीत का सर्टिफिकेट लेने जो है इनकी बहन है कमलेश जा रही हैं। भी आप ये कह सकते हैं कि उम्मीदवार हैं, और चूंकि उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन अब चूंकि अभी अंतिम दौर तक के अभी गिनती नहीं हो पाई है, लेकिन ये जरूर है कि आठवें राउंड की जो गिनती आ गई है उसमें इन्होंने एक बड़ा फासला तय कर लिया है। आठवें राउंड की गिनती के बाद ये 6115 वोटों की लीड से आगे चल रही है।